हेलो हाय नमस्कार छोड़ले सेवार ओ वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइज। आज हम लोग जा रहे हैं पोटिली केसर और आज वहाँ पे हम लोग जाएंगे बाई ट्रेन एंड ट्रेन से फिर बस, सबसे शॉर्ट रूट और कम टाइम में पहुँचने वाले और कम खर्चा में हम लोग पोटिली केसर कैसे पहुँच सकते हैं कंप्लीट गाइड देने वाला हुआ गाइज। सो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी नए नए जगह के बारे में आप लोग नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग को अच्छी अच्छी जगह के बारे में पता चले। अब टाइम हो रहा है 7:36। हम लोग पूरा रेडी होकर टिप टॉप होके सूरज और मैं निकला हूँ। सूरज ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। हम लोग आप मुझे मास्क तो खोलो भाई। अब हम स्टेशन पे आप हो जाए यहाँ से टिकट लेंगे। तो गाइस हमारा नियरेस्ट स्टेशन है वाइट फील्ड रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमने बाइक पार्किंग करके तो अब यहाँ से 20 रुपीज का टिकट लेके हम निकल गए बंगरपेट के लिए। तो आप बेंगलोर के कोई भी स्टेशन से, यहाँ पे एवरी आवर ट्रेन चलता है बंगरपेट के लिए, तो कोई भी ट्रेन स्टेशन से आप टिकट लेके आप बंगरपेट के लिए निकलेंगे और वहाँ से फिर हम लोग बस में जाएंगे, वो भी दिखाएंगे गाइस। बने रहिए वीडियो तक। वन आवर के बाद हम लोग बनारपेट पहुंच गए। यहाँ से हम लोग राइट ऊपर से जाकर राइट निकल गए और यहाँ से बस स्टॉप है। यहाँ से ग्रीन बस जाता है एवरी हाफ एन आवर में पोटिली केसर के लिए। सो ये रहा मेन गेट और यहाँ से अभी हम लोग पूजा का सामान लेंगे। आप लोग अंदर से भी ले सकते हैं पूजा का सामान, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाहर से मिलता है, तो अंदर से भी ले सकते हैं यहाँ से भी ले सकते हैं, तो सेम ही बात है। तो हमने यहाँ से पूजा का सामान लेके निकल गए मंदिर की ओर। गूगल पे सब चलता है यहाँ पे, तो इजी रहा हमारे। आपका शू यहाँ पे जमा कर सकते हैं, इस शू का 5 रुपीज देते हैं, तो उधर जमा करके आप लोग जाना पड़ेगा अंदर। तो यहाँ से होता है मेन एंट्रेंस। गाइस यहाँ पे मुझे गिम्बल यूज करने को नहीं मिला, इसलिए ये वीडियो बहुत ही सेक हो रहा है। लेकिन ये जो नंदी का हाइट है 35 फीट और शिवलिंग का हाइट है 108 फीट, तो आप लोगों को डायरेक्ट देख के बहुत ही मजा आएगा गाइस। कैसे लग रहा है सूरज जी आपको इधर आके? इधर आपको तो अच्छा ही लग रहा है। छुट्टी था फिलहाल, आज हमारा वही का डे, अच्छा से गया आज का दिन। बहुत साल बाद में, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स बाद में हमारा सूरज के साथ में घूमने को मिला। सो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमने पूजा कर लिया गाइस। अब पूजा करने के बाद अब हम आए साइड पे, पूजा हो गया। देख सकते हो आप लोग आई कितना, जब से स्टार्टिंग है सेम, आप लोग को लग सकता है कि सेम जगह में घूम रहा हो, ऐसा नहीं गए, क्योंकि जब एंट्रेंस से ही इतना सारा शिवलिंग है, 1 करोड़ ऑलमोस्ट 90 लाख शिवलिंग है छोटा छोटा। तो अभी ये साइड में देख सकते हो पूरा, यहाँ से मंकी को देखे मुझे देख के भाग रहे हैं।
गैज आज यहाँ पे क्राउड नहीं है क्योंकि ये टाइम जैसे कि मंडे को अगर आप लोग आते हो शिव का पूजा करने के लिए वो बहुत ही अच्छा टाइम है, और अगर दूसरा टाइम में आते हो तो लाइक शिवरात्रि में जब आओगे ना उस टाइम यहाँ पे क्रेजी होता है, मतलब इसलिए मैं पहले आ गया हूँ क्योंकि उस टाइम में वीडियो करने के लिए भी मिलेगा या नहीं मिलेगा और हम लोग को छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए उस टाइम में नहीं आऊँगा। तो गाइस अब हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट होते वक्त भी अभी इसी जो रूट से आए थे उसी रूट से होके निकलेंगे, तो आज बहुत ही मज़ा आया हम दोनों भी ऑलमोस्ट यहाँ पे वन आवर यहाँ पे बिताए, पूजा किए, मन्नतें मांगे, अब निकलते हैं और आई होप आप लोगों को ये जगह आके बहुत ही पसंद आने वाला है। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही मज़ा आया आज का दिन, सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।